द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम बेसिकली लेयर्स हैं जो कि सराउंड कर रही हैं हार्ट को ठीक है और रूट्स ऑफ ग्रेट वैसल्स को ये देखिए रूट्स ऑफ ग्रेट वेसल्स को अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना इसमें वो ये है कि एक फ़ाइब्रोसीरस सैग होता है और अब जैसे कि मैंने आपको बताया फाइब्रोसीरस सैग है तो उसी लिहाज से मैं आपको बताऊंगा अब कि जो पेरिकार्डियम है उसकी दो डिविजन होती है सबसे पहले डिवीज़न होती है आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक है आपके पास सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है सीरस पेरिकार्डियम आगे फर्दर डिवाइडेड है इनटू टू पार्ट्स। एक आ जाती है आपके पास पेराइटल पेरीकार्डियम और एक आ जाती है आपके पास विस््रल पेरीकार्डियम और विस्तरल पेरिकार्डियम का ही दूसरा नाम होता है एपिकार्डियम अगर आपको ये डिवीजन याद है ना तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी ठीक है अब सबसे पहले चलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम नाम से ही पता चल रहा है कि फाइबर्स से बनी हुई है ठीक है फाइब्रस है फाइबर्स से बनी हुई है आउटर मोस्ट लेयर है आउटर मोस्ट लेयर है फाइबर्स से बनी हुई है तो स्ट्रॉगेस्ट लेयर है ठीक है अब इसकी जो चीज़ याद रखनी है ना आपने कि अगर ये फाइब्रस पेरी है ना फर्ज़ करें कि उसके अंदर आपका हार्ट आया हुआ है तो ये जो फाइब्रस पेरी है ना ये बहुत स्ट्रांग होती है और ये जुड़ी होती है डिफरेंट चीज़ों से ताकि ये हार्ट को इन प्लेस लग रख सके और मूवमेंट को लिमिट कर सके तो अगर कोई पूछता है कि कौन सी चीज़ हार्ट को इन प्लेस रखती है और मूवमेंट को लिमिटेड रखती है तो वो है फाइब्रस पेरी फाइब्रस पेरीगार्डियम ठीक है मूवमेंट को लिमिटेड एंड कीप्स हार्ट इन प्लेस ठीक है ये एक आध दफ़ा पूछा गया है तो ये आप जेन में रख लें अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मूवमेंट को लिमिटेड रखती है क्योंकि खुद स्ट्रांग है और ये हार्ट को इन प्लेस कैसे रखती है कि ये अटैच्ड है नीचे डायाफ्राम के साथ अटैच्ड है विद द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायाफ्राम ठीक है ऊपर ये स्ट्रॉन्गली एडेरेंट है विद द एडवेंटिशिया ऑफ ग्रेट वेसल्स ठीक है जो मैंने आपको दिखाया है ऊपर और आगे की तरफ ये अटैच्ड होती है विद स्टर्नम स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट ठीक है ये तीन चीज़ें आपने जहन में रखनी है ठीक है कौन कौन सी नीचे सेंट्रल टेंडन के साथ अटैच्ड है ऊपर एटवेंट ऑफ ग्रेट वसल के साथ अटैच्ड है तो ये हार्ट को एक जगह पे रखती है और आगे ये अटैच्ड है विद स्टर्नम वाई स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट ताकि हिल ही ना सके हार्ट ठीक है तो ये है फाइब्रस पेरिकार्डियम ठीक है इसकी ब्लड वो नर्व सप्लाई मैं आगे बताऊंगा ठीक है इसके बाद आपके पास आ जाती है सीरस पेरिकार्डियम सीरस पेरिकार्डियम की दो लेयर्स हैं देखिए ये फाइब्रस पेरिकार्डियम थी आपकी सबसे आउटर मोस्ट अब आती है सीरस पेरिकार्डियम सीरस पेरिकार्डियम की दो लेयर्स हैं एक है पेराइटल जो बाहर की तरफ है और एक है विसरल जो विसरा के साथ है मतलब के जो कि है अटैच्ड विद द हार्ट जो बिल्कुल हार्ट के साथ अटैच्ड है अब पेराइटल पेरिकार्डियम से शुरू करते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम जो है ठीक है ये बेसिकली लाइंस लाइन लाइन करती है फाइब्रस पेरीगार्डियम को बिल्कुल उसके साथ स्ट्रॉन्गली अडेरेंट है ना अटैच्ड है ठीक है और ये बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि ये है आपकी पेराइटल लेयर ये पेराइटल लेयर ऊपर जा रही है और इधर से रिफ्लेक्ट बैक होके बना रही है आपकी विसरल लेयर या विसरल पेरीगार्डियम या फिर एपीगार्डियम जिसको कहते हैं ठीक है यही घूम के आ रही है ठीक है तो ये रिफ्लेक्ट करके आपकी विसरल पेरीगार्डियम बना रही है या एपिगार्डियम बना रही है ठीक है अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने इस चीज़ में याद रखनी है ठीक है कि पेराइटल पेरीगार्डियम हो या विसरल पेरीगार्डियम हो दोनों की दोनों जो है ना ये हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, ठीक है सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम एक दो दफा पूछा गया ये सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम स्ट्रेटिफाइड नहीं है सिंपल है ठीक है अच्छा फिर विसरल पे आ जाते हैं विसरल जो है ठीक है विसरल पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम जिसको कहते हैं ये होती है डायरेक्टली इन रिलेशन टू द हार्ट ठीक है और ये कवर कर रही होती है हार्ट को और इसके बिल्कुल नीचे होती हैं आपकी कोरोनरी आर्टरीज और इस तरह की चीज़ें ना सब एंडोगार्डियम में ही आपका आ जाता है कंडक्टिंग तो सिस्टम है वो आगे मैं आपको बताऊँगा ठीक है तो ये तो हो गया आपका ओवरऑल ये चीज़ अब थोड़ी सी और डिटेल में जाएंगे यहाँ पर ठीक है वो क्या डिटेल है कि आपकी जो विस्तरल पेरीगार्डियम है ठीक है ये वाली ये सप्लाई होती है वाया वेगस नर्व वी से वेसरल वी से वेगस ठीक है याद रखना है ये और फाइब्रस नाम फाइब्रस आ रहा है ना फाइब्रस तो फ्रेनिक फ्रेनिक नर्व से सप्लाई होती है ये अब फ्रेनिक नर्व में आपने याद रखना है सी से सी वाली नर्व रूट ये इंपॉर्टेंट है याद रखनी क्योंकि ये पूछी गई है एक दो दफ़ा ठीक है और अगर कोई पूछता है कि बेसिकली आपकी ऐसी कौन सी नर्व है जो कि के कैरी करती है पेन ऑफ द पेरीकार्डियम तो वो फ्रेनिक नर्व ही है जो फाइब्रस पेरीगार्डियम से ओरिजिनेट मतलब के जा रही है लेके पेन ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं कि यही जो है ना ठीक है इसी की पेन जो है वो डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इपसी लेट्रल सुपरा क्लेविकुलर रीजन में रेफ़र होती है ठीक है तो ये होगी आपकी इसकी नर्व सप्लाई भी अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताऊंगा अब ये आपकी सीरियस पेरिकार्डियम की दो लेयर लेना पेराइटल और विसरल इनके बीच में एक स्पेस होती है जो कि ये वाली स्पेस है ये जहाँ पे मैं अपना कर्सर लेके गया हूँ ये स्पेस इस स्पेस को हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस और इस पेरिकार्डियल स्पेस में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पेरिकार्डियल स्पेस में होता है फ्री फ्लोइड जिसको कहते हैं हम पेरिकार्डियल फ्लोइड और पेरिकार्डियल फ्लूइड की आज तक पूछी तो नहीं गई लेकिन जेन में रख लें सी पी एस ई पूछ सकता है कि ट्वेंटी एम एल तकरीबन होता है ये और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट ऑफ द हार्ट करवा रहा होता है मतलब कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है तो हार्ट की जो मूवमेंट है ताकि उसमें फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस हो लेयर्स के बीच में तो इसीलिए इर्द गिर्द आपका आ जाता है पेरीगार्डियल फ्लोइड बिटवीन द द विसरल एंड सीरस पेरीगार्डियम ठीक है अच्छा अब एक दो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा देखें दो है दो पेरीगार्डियम के अंदर एक है आपके पास ट्रांसवर्स साइनस ठीक है एक है आपके पास ऑब्लिक साइनस ठीक है बस ये जेहन में रख लें मैंने जिस तरह याद रखा हुआ है से ट्रांसवर्स है ना ठीक है तो ये बेसिकली थ्रू एंड थ्रू होता है कि मतलब खुला होता है अगर एक तरफ से पेरी गार्डिया में आप सुराख करते हो इधर से आप फिंगर uh, घुसाते हो तो वो दूसरी तरफ निकाल देते फिंगर तो बेसिकली ये यूज़ होता है टू आइसोलेट एटा एंड पलमरी ट्रंक फ्रॉम द हार्ट कोई ऑपरेशन वगैरह करना है तो पलमरी ट्रंक और एटा को अलहदा कर देता है वो हार्ट से दूर कर दे ताकि वो डैमेज ना हो और एक है ओब्लिक साइनस ओब्लिक है डेड एंड डेड एंड या कल डिस जिसको कहते हैं आगे से बंद है ये ठीक है ठीके? तो ये आपके दो साइनसेस हो गए तो ये तो था आपका पेरिकार्डियम का पूरा टॉपिक एक और चीज़ मैं आगे जाके आपको बताता हूँ जो पेरिकार्डियोसेंटिस है जिसके बारे में पूछा जाता है ठीक है उससे पहले थेरी एक दफा देख ले द पेरीकार्डियम इज अ फाइब्रोशियस दट इनक्लोजेज द हार्ट एंड द रूट्स ऑफ द ग्रेट ब्लड वेसल्स फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है ठीक है फाइब्रस पार्ट है स्ट्रॉग है लिमिट करता है अननेसेसरी मूवमेंट्स को ऊपर जो है वो ब्लड वेसल्स के साथ है एंटीरियरली स्टर्नम के साथ है और इंफीरियरली मैंने आपको बताया कि सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम के साथ है फिर सीरस आ जाती है सीरस जो है उसके अंदर दोनों पेराइटल और विसरल लेयर्स आ जाती हैं पेराइटल लेयर जो है वो फाइब्रस के साथ स्ट्रांगली अडेरेंट है ठीक है और वो घूम के वापस आ जाती है विसरल uh, लेयर बना देती है ठीक है और दोनों की दोनों मैंने आपको बताया था सिंपल कौन कौन सी हैं सिंपल स्केमस एपिथीलीम ठीक है अब पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो बीच में आ जाती है इनके और पेरिकार्डियल फ्लोइड जो मैंने आपको बता दी है अब मैं आपको थोड़ा सा पेरीगार्डियो सेंटिसिस का बताता हूँ अब पेरीकार्डियो सेंटिसिस है कि आपने पेरिकार्डियल फ्लोइड जो है पेरिकार्डियल टैप करना है या पेरिकार्डियम जो पेरिकार्डियल स्पेस है उसके अंदर अपने नीडल घुसानी है और फ्लोइड निकालना है जैसे कार्डियक टेम्पोनाट वगैरह अगर हो जाती है ना तो उसके अंदर पेरिकार्डियम जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसके अंदर ब्लड वगैरह जमा हो जाता है तो, तो आपने उस वक्त पेरीकार्डियो सेंटिसिस करनी है पेरिकार्डियोसेंटिसिस uh, करते कहाँ पे हैं देखिए इसकी दो अप्रोचेज है ठीक है जो हमें याद रखनी है वो एक ही है वो है लेफ्ट स्टर्नम देखिए हार्ट लेफ्ट पे है ना लेफ्ट स्टर्नम फिफ्थ टू सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस ये इंपॉर्टेंट है लेफ्ट स्टर्नम फिफ्थ टू सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस ये स्टर्नल अप्रोच है ऑफ द पेरीकार्डियोसेंटीसिस लेफ़्ट पार्ट ऑफ़ द स्टर्नम ठीक है टू वर्ड द लेफ्ट ऑफ द स्टेरनम फिफ्थ टू सिक्स इंटरगोस्टल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैंने बार बार रिपीट किया ये अब इसमें पूछा नहीं गया लेकिन जहन में रख लें कि डैमेज क्या क्या होता है एक है इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी हो सकती है डैमेज कॉरनरी आर्टरीज डैमेज हो सकती हैं और तीसरी चीज़ है प्लेोरा ऑफ द लंग ये तीन चीज़ें डैमेज हो सकती हैं तो ये आप बात जहन में रख लें ये फिर वही पेरिकार्डियल साइनस की बात आ जाती एक है एक ट्रांसफर्स है एक ओब्लीक है ट्रांसफर्स थ्रू एंड थ्रू है ठीक है और बस इसमें सिर्फ ये याद रखें रिफ्लेक्शन ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम अराउंड द असेंडिंग एटा एंड पलमनरी ट्रंक इसीलिए इनको अलहदा कर रहे हैं वो आठ से और ओब्लिक साइनस है रिसेस फॉर्म बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम अराउंड द ये वीना केवा एंड फोर पलमनरी वेंस और ये कल्डिस है होता है ठीक है बस ये चीज़ आप जहन में रख लें एक दफ़ा देख लेंगे याद ना भी करें एक दफ़ा जहन में होगी ना तो उधर आपके क्लिक कर जाएगी ये ठीक है अब हम चलते हैं इसके एम सी क्यूज की तरफ देखिए पेरिकार्डियो सेंटिस होती है लेफ्ट ऑफ ऑफरम फिफ्थ एंड सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस एपिकार्डियम मैंने आपको बता दिए विस्रल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम होता है एपिकार्डियम विसरल सीरस पेरिकार्डियम होता है विसरल पेरिकार्डियम जो है वो सप्लाई हो रही है वेगस नर्व से फाइब्रस पेरिकार्डियम जो हो रही है वो हो रही है फ्रेनिक नर्व से इतनी डिटेल में पढ़ाने का मकसद ये है कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद अगर आप बुक रीड ना भी करें तो आपका ईज़िली गुजारा हो जाए ठीक है तो इसके नोट्स बनाएँ साथ, साथ आप ठीक है